गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स. इन लास्ट क्लास आई हैव डन ऑन द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री. मतलब लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था फंडामेंटल कंसेप्ट किसका, तो फंडामेंटल कंसेप्ट डिस्कस किया था थ्री डायमेंशन का. आज उस पर बेस्ड कुछ डाउट आया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, 17 है और 18. उस डाउट को पहले मैं काम करता हूँ, फिर आगे काम करूंगा. चलिए, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर. तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए पहले आप किसका, ए बी वेक्टर का. बोलो वेक्टर ए बी का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, बी में एक माइनस कर माइनस चार में माइनस एक माइनस करोगे क्या बचेगा, माइनस थ्री. दो में तीन माइनस करोगे क्या बचेगा, माइनस थ्री. माइनस दो में दो माइनस करोगे क्या बचेगा, माइनस थ्री. तो मैंने अभी क्या निकाला, डायरेक्शन रेशियो किसका निकाला, ए बी का निकाला. अब निकालूंगा डायरेक्शन रेशियो किसका, बी सी का. बी सी का तो सी में बी को माइनस करोगे, पांच में चार गया कितना बचा, नौ बचे. फाइव माइनस माइनस प्लस माइनस, फाइव में टू हटाओ क्या बचेगा, थ्री. और पी में टू हटाओ क्या बचेगा, पी प्लस. पी में घटाओगे किसको, माइनस टू को, सॉल्व करने पर क्या बचेगा, पी प्लस. तो ये हमने डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया किसका, ए बी का भी और किसका. अब याद होगा आपको, सिंस ए बी सी आर कॉलिनियर, अगर ए बी सी कॉलिनियर है तो आप निश्चित रूप से कह सकते हो कि सर ए बी पैरेलल होगा किसके, बी सी. क्या तीन पॉइंट जो आपस में कॉलिनियर है, इसका मतलब ये तीन, ये लाइन ए बी और बी सी आपस में क्या पैरेलल है, सेम डायरेक्शन. चलिए, तो जब दो लाइन आपस में पैरेलल में, वन मिनट, जब दो लाइंस आपस में पैरेलल में, ठीक है, तो उनकी रिएक्शन रेशियो का रेशियो क्या होगा, पास ए बी और बी सी दोनों आपस में क्या है, पैरेलल. जब ए बी और बी सी पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियो का रेशियो पढ़ाया था क्या होता है, सेम होता है. डायरेक्शन रेशियो का रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ए बी का क्या है, माइनस थ्री. बी सी का क्या है, नाइन. ए बी का क्या है, माइनस वन. बी सी का क्या है, थ्री. ए बी का क्या है, माइनस फोर. बी सी का क्या है, पी प्लस टू. तो अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियो का रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर. यहां से बोलो, अगर मैं टेकिंग टेक करूं किसको, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट इक्वेलिटी, पहले और आखिरी वाले इक्वेलिटी को लूं, क्योंकि पहले वाले में कांस्टेंट है और आखिरी वाले में क्या वेरिएबल पी, या दूसरे और आखिरी को लोगे तो ही बन जाए. किसी भी दो इक्वेलिटी को तुमको लेना है, फर्स्ट सेकेंड को लेने से कोई फायदा नहीं है, तो इसमें पी है ही नहीं. फर्स्ट के थर्ड लोगे या सेकेंड थर्ड लोगे, मैं फर्स्ट और लास्ट लिया. फर्स्ट में क्या आपके पास है, माइनस थ्री बाय नाइन है, और लास्ट में क्या है, माइनस फोर बाय पी प्लस टू. यहां से माइनस और माइनस कट गया, थ्री थ्री जा नाइन कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे पी प्लस टू इक्वल टू क्या होगा, फोर थ्री जा ट्वेल्व. यहां से पी का मान क्या आएगा, दस. इसका मतलब यह है कि आपके पास जो पी का वैल्यू निकालना था वो कितना आ गया, दस. मैं फिर बोल रहा हूं, अगर तीन पॉइंट्स कॉलिनियर है तो आपको ए बी बी सी का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेना है, और अगर वो कॉलिनियर है तो निश्चित रूप से उनका रेशियो भी इक्वल होगा. मीन्स दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो का रेशियो भी क्या आपस में इक्वल है. सॉल्व करके यहां से पी का हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं. बच्चों आप लोग सीख गए होंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से लिखिए पहले, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे काम करूंगा. ठीक है, Yeah.
चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन पर काम करता हूं। नेक्स्ट डाउट आप होता है क्वेश्चन नंबर 17 उस पर काम करता हूं, सभी ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 17 सब लिखोगे, फाइंड द एंगल्स मेड बाय फॉलोइंग वेक्टर्स विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस पहला है i कैप प्लस j कैप सॉरी माइनस j कैप प्लस k कैप। मैं फर्स्ट सॉल्व कर दूंगा, सेकंड और थर्ड तुम लोग खुद से बना लोगे। सेकंड क्वेश्चन है जे कैप माइनस के कैप। चलिए चलिए ध्यान सुनो, मतलब इस वेक्टर में कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कितने एंगल को बनाया, ये कुछ है बहुत आसान है समझने का प्रयास करते हो। एक आपके पास थ्री डायमेंशनल एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। मान लो एक पॉइंट स्पेस में है पॉइंट, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स का मान 1 वाई का मान -1 जेड का मान 1 और ये ड्राइंग कर दो। तो इस वेक्टर में OA वेक्टर में जो एंगल बनाया एक्स के साथ वो अल्फा कहते थे, y के साथ उसे बीटा कहते थे और z के साथ उसे हम लोग गामा कहते थे। तो आपको निकालना क्या है, इस वेक्टर में x एक्सिस के साथ y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ उसी तीनों एक्सिस को एक शब्द में कहते हैं क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया। मींस यू हैव टू फाइंड अल्फा, यू हैव टू फाइंड बीटा, यू हैव टू फाइंड व्हाट, गामा। ठीक है, याद करो मैं पढ़ाया था कॉस अल्फा का फॉर्मूला पढ़ाया था ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ए डायरेक्शन रेशियो है, तो ए के रूप में काम कौन कर रहा है, वन वन बाय अंडर रूट वन स्क्वायर प्लस बी के रूप में काम कौन कर रहा है माइनस वन, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सी ग्रुप में काम कौन कर रहा है 1, यानी कि 1 बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आएगा, रूट भी आ गया। मींस हमारे पास कॉस अल्फा का मान कितना आ गया, कॉस अल्फा का मान 1 बाय रूट 3। बोलिए कॉस के किस वैल्यू पर कॉस का मान 1 बाय रूट 3, पढ़े हो क्या, नहीं पढ़े हो। मींस अल्फा का मान डायरेक्टली क्या बोलोगे, कॉस इनवर्स 1 बाय अल्फा मिल गया। मिस एक्स एक्सिस के साथ उसने जिस एंगल को बनाया दैट एंगल इज कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 3। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन था जिसको मैंने सॉल्व किया। अब निकालना बीटा वाला, बोलिए कॉस से अल्फा से अल्फा निकलेगा, कॉस बीटा, कॉस बीटा इक्वल टू क्या होगा, बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बोलो बी के रूप में काम कौन कर रहा है, बी के रूप में काम माइनस कौन कर रहा है, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या निकाले हैं जस्ट अभी, रूट थ्री, वही आ गया। यानी कि बीटा का मान क्या बोलोगे, बीटा का मान कहोगे कॉस इनवर्स माइनस वन बाय, सही है, तो बीटा मिल गया। आप निकालना है क्या हमको, कॉस गामा, बोलो कॉस गामा इक्वल टू क्या पढ़ाए थे, सी बाय अंडर रूट व्हाट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉस गामा सी के रूप में काम कौन कर रहा है, वन बाय अंडर रूट कितना इसका मान है, थ्री, तो गामा का मान क्या आ गया, कॉस इनवर्स वन बाय रूट थ्री, दिस इज योर आंसर। तो बच्चों आपने सीखा आज ये कि हमारे पास अल्फा बीटा और गामा एंगल दिए हुए नहीं है, तो किसी वेक्टर के द्वारा एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ या फिर जेड एक्सिस के साथ जो कुछ एंगल बन रहा है उस एंगल को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, वो तरीका मैंने आपको एक सिखाया।
तो इसे आपको अच्छे से नोट कीजिए, या आपका आंसर हो गया, वीडियो पॉज कीजिए। तो ये क्वेश्चन सीख गया आपको कैसे बनाना है। सेम इसी तरह से दो बनेगा और दो के बाद तीन भी बनेगा। दो नंबर वाले में थोड़ा सा मैं आपको हिंट कर देता हूं, जिससे कि दो नंबर भी बनाने में आपको परेशानी नहीं हो। देखो यहां पर आई कैप का कंपोनेंट दिया हुआ नहीं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीरो आई कैप, आई कैप नहीं जीरो कर दिया, और फिर क्या होगा प्लस जे कैप और क्या माइनस के, जिसका कंपोनेंट नहीं है उसे जीरो मान लो, एक से सॉल्व करो, ठीक है। ये ए का मान जीरो हो गया, बी का मान वन, सी का मान माइनस वन, सॉल्व कर लेंगे वैसे ही जिस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो चलिए ये डाउट भी आपका खत्म हुआ। अब नेक्स्ट डाउट है जो लगभग सारे बच्चे का डाउट है, 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सब ध्यान दोगे कैसे बनाना है। 18 नंबर क्वेश्चन है, देखोगे सभी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए 184 टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट बी 0-1-3 एंड सी 2-3-1 बच्चों क्वेश्चंस को पहले ध्यान से सुनोगे। हमें निकालना है कोऑर्डिनेट किसका, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ए। एक पॉइंट आपके पास ए है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 184। इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर है, किस पर परपेंडिकुलर गिराया गया, एक लाइन पर जो दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है वो पॉइंट है 0-1-3 और क्या 2-3-1। इस दो पॉइंट को जो ज्वाइन कर रहा है लाइन सेगमेंट बीसी, उस पर गिराए हमने एक परपेंडिकुलर, उसका नाम है मान लो एडी। थोड़ी इस परपेंडिकुलर का फुट कौन हो गया, तो कौन से डी पॉइंट को ही कहते हैं क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट मीन जिस पर वो खड़ा है, ये फुट हो गया। इस फुट का कोऑर्डिनेट क्या है वो निकालना। मान लीजिए फुट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई और क्या है जेड, तो लेट मान लूंगा द फुट ऑफ परपेंडिकुलर बी बी एक्स वाई जेड। मान लिया कि इसके परपेंडिकुलर का फुट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, तो डी पॉइंट का निकालना है कोऑर्डिनेट। डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस तरह से आएगा। चलिए शुरू करते हैं। जब ये दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा। पढ़ाया था आपको, अगर दो लाइंस आपके पास हैं, पढ़ाया था ना, दो लाइंस आपके पास हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, तो आपको हम पढ़ाए थे L1 × L2 + M1 × M2 + N1 × N2 का मान भी जीरो होगा, और क्या A1 × A2 + B1 × B2 + C1 × C2 का मान भी क्या होगा, जीरो होगा। अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम भी जीरो होता है, या डायरेक्शन कोसाइन के प्रोडक्ट का सम भी क्या होता है, जीरो होता है। चलिए तो बड़े बोलिए आपका यहां पर ध्यान से, डायरेक्शन
रेशियो ऑफ बीसी, बीसी का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, टू में जीरो घटाओगे क्या बचेगा, माइनस थ्री में घटाओगे माइनस वन को क्या बचेगा माइनस टू, और फिर माइनस वन में घटाओगे तीन को क्या बचेगा माइनस फोर, सही। फिर डायरेक्शन रेशियो ऑफ व्हाट एडी, एडी का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, एक्स माइनस वन, वाई माइनस एट और ई जेड माइनस, ठीक है यहां तक, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगा। ये ए वन, ये बी वन, ये सी वन, ये ए टू, ये बी टू, ये सी टू, ठीक है। तो लिखिए पहले इसको अच्छे से वीडियो को, फिगर डाउनलोड होगा अच्छे से। वीडियो ऑन है, जो ऑन था ध्यान दो। अब थोड़ा ध्यान दो इस क्वेश्चन को, और ये तो मैं डायरेक्शन रेशियो निकाला है किसका, बीसी का और एडी का। डी एक पॉइंट जो किसको डिवाइड कर रहा है, बीसी। लेट मान लो डी डिवाइड कर रहा है बीसी को किसी रेशियो में, वो रेशियो क्या मान लो केज टू वन। जब डी ने बीसी को केज टू वन रेशियो में बांटा, एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं याद कीजिए, पढ़ाए थे एक्स सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाए थे, नीचे में था के प्लस वन के इंटू एक्स टू, एक्स टू मतलब क्या प्लस, फिर वन इंटू एक्स वन, एक्स वन मीन्स क्या जीरो। एक्स का मान सॉल्व करने पे क्या आ गया टू के बाय के प्लस वन, ये एक्स का मान आ गया। वाई का मान फिर क्या आएगा, बोलो वाई का मान क्या कहोगे, वाई का मान कहोगे सर कि वाई को लिख सकते हैं हम लोग के प्लस वन इंटू के वाई टू, वाई टू का मान माइनस थ्री प्लस वन इंटू वाई वन का मान माइनस वन। इसको सॉल्व करने पर y का मान क्या आ गया माइनस थ्री के माइनस वन बाय के प्लस वन। उस तरह से z का मान निकालेंगे, z का मान क्या आएगा
जेड का मान भी पाओगे सर, के प्लस वन के इंटू जेड टू, जेड टू का मान क्या है माइनस वन, प्लस वन इंटू जेड वन का मान क्या है थ्री जेड टू, ये जेड वन, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा जेड का मान माइनस के प्लस थ्री बाय के प्लस वन। तो मैंने एक्स वाई जेड निकाल दिया, चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, एक्स वाई जेड निकालना अभी, तो आगे बढ़े हम लोग। अब कहोगे सर कि हम लोग का एडी और बीसी आपस में क्या है परपेंडिकुलर, तो निश्चित रूप से कहोगे सो ए वन, ए वन मीन्स टू इंटू, ए टू मीन्स क्या हो गया, ए टू मीन्स व्हाट, या ऐसा करें गुना को क्या होगा ए वन इंटू ए टू प्लस बी वन इंटू बी टू प्लस सी वन इंटू सी टू इक्वल टू क्या जीरो, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। सॉल्व करेंगे टू एक्स माइनस टू वाई माइनस फोर जेड, माइनस टू प्लस सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो, मीन्स टू एक्स माइनस टू वाई माइनस फोर जेड, सोलह सोलह बत्तीस में दो गया तीस इक्वल टू जीरो। यहां से x का मान ये, y का मान ये, z का मान ये, तीनों पुट करके अगर सॉल्व करेंगे तो हमें किसका मान मिल जाएगा, k का मान मिल जाएगा, ठीक है। जब k का मान बच्चों मिल जाएगा तो k का मान यहां रखेंगे x मिल जाएगा, k का मान यहां रखेंगे y मिल जाएगा, k का मान यहां रखेंगे z मिल जाएगा, और जब x y z मिल गया मतलब हमें क्या मिल गया, उस परपेंडिकुलर का पुट मिल गया जो इस क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा। कहीं दिक्कत है मेरे को तो बोलोगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज किए, और जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम जो होता है वो जीरो होता है, ये मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, उसी का ध्यान रख करके सॉल्व करना है। तो इस टेबल को ड्रॉ करने के साथ साथ आप लोग लिखिए इस अच्छे से, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को भी आप लोग खुद से ही ट्राई कीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। लिखिए इफ ए लाइन मेक्स अल्फा बीटा एंड गामा विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस, देन प्रूव दैट कॉस टू अल्फा प्लस कॉस टू बीटा प्लस कॉस टू गामा इक्वल टू माइनस वन। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई घर पे खुद से कीजिएगा, और उसके बाद अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो पूछोगे, फिर मैं सॉल्व करूंगा। आज में जितना भी डाउट था आप लोग का वो सॉल्व कर दिया। आप लोग में जो भी इस सेंड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया हो उसे सेंड करके ग्रुप में सेंड करोगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।